हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल के दुकान की चाबी मिलने के बाद अब जो नई स्टोरी शुरू हुई है वो आत्माराम बेड़े के ऊपर बेस्ड है। यानी कि आत्माराम बेड़े का स्टूडेंट समीर, जो कि पढ़ाई में इस समय काफी कमजोर है, और उसकी इस कमजोरी का कारण कुछ और नहीं बल्कि मोबाइल फोन और वीडियो गेम जैसी चीजें। तो जैसा कि हमने रिसेंट एपिसोड में देखा कि इस समय आत्माराम बेड़े समीर को पढ़ाई में कमजोर होने का कारण खुद को मानता है। यानी कि आत्माराम बेड़े की कोई ना कोई गलती रही है जिसकी वजह से समीर का पढ़ाई में ध्यान नहीं है और इसीलिए उसके मार्क्स कम आए हैं। और जिसके बाद के आत्माराम बेड़े इस बात का जिक्र माधवी और चंपकलाल और बाकी गोकुलदा वालों से करता है और वो सभी लोग आत्माराम बेड़े को समझाते हैं। और जैसा कि हमने अपकमिंग एपिसोड में देखा कि गोकुलदाम के मेंबर्स आत्माराम बेड़े को अजीबो गरीब आइडियाज देते हैं। अभी जहां तक मुझे लगता है कि ये स्टोरी आजकल के स्टूडेंट के गोल और फोकस के ऊपर बेस्ड होने वाली है। यानी कि आजकल की जनरेशन जो एक तरफ पढ़ाई को छोड़कर मोबाइल्स, वीडियो गेम या फिर ऐसी और भी एंटरटेनिंग चीजें जो कि उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इन सभी ऊपर बेस्ड होने वाली है। तो अभी देखते हैं कि आखिरकार आत्माराम बेड़े इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकालता है और वो आखिरकार ऐसा कौन सा काम करता है जिससे कि समीर का वापस पढ़ाई में ध्यान लग जाए। सो ये सब तो आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, पहले आप देखिए, आप अपकमिंग स्टोरी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, आप अपने कमेंट्स और रिव्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।